हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 अमेजिंग होम डेकोर्स जो मैं बनाने वाली हूँ कार्डबोर्ड को यूज़ करके। तो सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड में से काफ़ी सारे स्ट्रिप्स कट आउट कर लिए हैं और एक सर्कल भी कट किया है कुछ इस तरीके का। इसके बाद हम इन सारे स्ट्रिप्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हमारा एक होम का वर्ड बन जाए। तो Amazon और Flipkart पे आपको ये वाला होम डेकोर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कुछ और आइडियाज़ भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने इनके ऊपर टिश्यू पेस्ट किया है। पेस्ट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाटर और फेविकॉल का पेस्ट। तो इनसे यूज़ करने से हमारे जो कार्डबोर्ड के एजेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन दिखने लग जाते हैं। तो ये देखिए, पूरे में कवर करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैंने ब्लैक एक्रेलिक पेंट से इसे पेंट कर दिया है। पेंट करने के बाद ये हमारा DIY बिल्कुल रेडी है। लंबे समय के बचाने के लिए आप इस पे एक कोट वॉर्निश का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट DIY के लिए मैं यहाँ पर एक हेयर ऑयल के बॉक्स को रीयूज़ करने वाली हूँ। आप ऐसा कोई सा भी बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ऊपर वाले पार्ट को हटा दिया है और नीचे वाले पार्ट को हमें बहुत ही अच्छे से स्टिक कर लेना है, ताकि जो भी हम सामान ऊपर से डालें वो नीचे से निकले नहीं। तो देखिए, इस तरीके से स्टिक करने के बाद मैं यहाँ पर एक ग्लूगन की हेल्प से एक 3D पैटर्न बनाने वाली हूँ। तो पैटर्न को मैंने बहुत ही सिंपल रखा है। मैं सिंपली कुछ लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ रैंडमली। तो इस तरीके से आपको लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है। आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई और पैटर्न भी बना सकते हैं। तो एक बार हम पैटर्न कंप्लीट कर देंगे। इसको मैंने एक बार ड्राई होने के लिए रख दिया था। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको हम थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम ग्लूगन यूज़ करते हैं तो ये कुछ एक्स्ट्रा पीसेस निकल ही आते हैं। तो अब मैंने ब्लैक एक्रेलिक पेंट लेकर इसे अच्छे से पेंट कर दिया है। चारों साइड्स को अच्छे से पेंट करने के बाद मैं इसे छोड़ दूंगी थोड़ा ड्राई होने के लिए। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इसे अच्छे से ड्राई करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर गोल्डन एक्रेलिक पेंट से जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी उसको हम पॉपअप करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपली उस लाइन्स पर पेंट कर दूंगी। देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये वाला DIY थोड़ा सा ट्रिकी है, बट बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है। तो हमें चाहिए सबसे पहले एक स्क्वायर कार्डबोर्ड, जिसमें से हम एक ट्रायंगल कट करेंगे। तो ट्रायंगल कट करने के बाद मैंने इसमें 1 सेंटीमीटर का गैप देके एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। तो अभी ईविल आई वाला जो होम डेकोर है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा उसे किसी और तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक और ट्रायंगल बना लिया है। हम एक पेपर लेंगे और उसमें मैंने ये इस तरीके से एक शेप बना दिया है, एकदम ड्रॉप जैसा। इसको हम अच्छे से कट कर लेंगे और इसे जब हम ओपन करेंगे ये बिल्कुल एक आई का शेप लगेगा। इसे हमें ट्रेस कर लेना है। अब मैं ले रही हूँ टेप और टेप को हमें कुछ इस तरीके से स्टिक कर देना है। तो ये वाला जो प्रोसेस है आप बस देखते जाइए, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है समझाना। तो हम इसे इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। अब हमें कटर की हेल्प से इसके जो हमने टेप स्टिक करे हैं उसके दोनों साइड्स को कट कर लेना है। और हमारे जो कटिंग का
स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो हमने जो लाइन बनाई थी ना 1 सेंटीमीटर वाली, तो वहाँ से हमें स्टार्ट करना है और जो आई की आउटलाइनिंग थी वहाँ तक हमें कट कर लेना। तो ये इस तरीके से कुछ दिखने लग जाएगा। इसके बाद हमने जो कट किया था हमें इस तरीके से इसे निकाल देना है। आप बस इसे देखते जाइए, इसे समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, आप बस इसे देखते जाइए। अब सब कुछ कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद जो आई बनाई थी उसमें भी हमें 1 सेंटीमीटर के रफली ड्रॉ कर देना है लाइन। और यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, जो हमारी आई की मिडल वाला जो पार्ट होता है वो बनेगा। तो यहाँ पर मैंने एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया है, अब हम इसे भी अच्छे से कट कर लेंगे। सब कुछ कट करने के बाद अब हम सिंपली इस पे ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे और ये हमारा DIY रेडी हो जाएगा।